नमस्ते फ्रेंड, मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने गार्डन में। और आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ खूबसूरत ये 9 o'clock फ्लावर के साथ। फ्रेंड तो आज हम बात करेंगे अपने 9 o'clock पे कि मैं इसमें इतनी ज़्यादा फूल कैसे लेती हूँ। तो उससे पहले आइए कुछ अपने गार्डन के फ्लावर दिखा दिए जाए। तो ये है मेरे गार्डन का आलमंडा जो कि बहुत अच्छा फ्लावर दे रहा है। और ये है मेरे सनफ्लावर, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं समर में। आप भी इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए फ्रेंड, कड़ी धूप में भी बहुत अच्छी तरह से चलता है। और ये मेरे हैं ग्लैडिया, देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं इसमें। और इधर मेरे ये हमेलिया है। और ये देखिए, ये तो पूरा ऐसे लग रहा है कि पूरा ही बेड बिछा हुआ हो फूलों का, इस तरह से लग रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इधर मेरे ये मैक्सिकन पेटूनिया है फ्रेंड। और इधर ये देखते हुए चलते हैं ग्लैडिया। और इसके पीछे मैं ये अपना गॉम्फेनो रखी हूँ, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है फ्रेंड। और ये मेरे ओलियंडर में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है देखिए। और ये वाइट वाला भी बहुत अच्छा चल रहा है। और जो पिच कलर का है इसमें भी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गई हैं, बर्ड्स तो बहुत आई हैं फ्रेंड। और ये मेरा पिंक कलर का तो अभी फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। और आज तो मेरा वाइट हिबिस्कस भी बहुत अच्छा खिला है और रेड वाला भी फ्रेंड। और इधर देखिए मेरे ये सदाबहार जो मैं प्रून कर दी थी, तो काफ़ी अच्छी हेल्थ हो गई है और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है फ्रेंड। और मेरे ये इम्पेशन जो पूरी तरह से सूख गए थे, तो इन्हें कट करके थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल दी थी, तो ये भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और इसमें अभी बर्ड्स आ रही है फ्रेंड। और इधर मेरे ये रोजेस है जो फूल तो चल रहे हैं, खिल रहे हैं, लेकिन साइज़ छोटा है बहुत, पर हेल्थ थोड़ी अच्छी हो गई है मेरे रोजेस की, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फ्रेंड। और इधर ये मेरे हैं देसी पेटूनिया। और इधर भी मैं लगाई हूँ ये मोजरोस 9 o'clock। तो आज मैं इन पे ही बात करूँगी। देखिए मेरे पास ये 4 कलर के हैं, एक तो ये वाइट है, अभी इसमें फ्लावरिंग कम हो रही है, अभी इन्हें कटिंग से लगाई थी। और ये पिंक में है और ये डार्क पिंक में है, तो देखिए कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं फ्रेंड। जैसा कि ये 9 o'clock है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि 9 बजे से खिलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस फूल की बड़ी खूबसूरती बड़ी अच्छी लगती है। देखिए कितना बड़ा साइज़ है, पूरा गुलाब की तरह देखने में लगता है और बड़ा ही सुंदर लगता है ये। और ये कटिंग से बड़ी आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है फ्रेंड, और कोई ख़ास देखभाल भी नहीं है। मेरे देसी वाले हैं, जबकि हाइब्रिड वाले में थोड़ी केयर करनी पड़ती है, ज़्यादा धूप भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और बारिश का पानी भी। लेकिन ये जो देसी वाले हैं ना, ये धूप और बारिश दोनों में बने रहते हैं आपके गार्डन में, और फूल तो बहुत देते हैं। और देसी में चाहे आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करिए चाहे मत करिए, लेकिन फूल तो ये आपको पूरा देंगे, जबकि हाइब्रिड वालों की बड़ी केयर करनी पड़ती है फ्रेंड। लेकिन मेरे ये देखिए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, और मधुमक्खियाँ भी कितनी सारी आ रखी हैं। तो इस तरह से ये जब मधुमक्खियाँ आती हैं तो पॉलीनेटर होती हैं ये हमारे गार्डन के, और पॉलीनेशन का भी बहुत अच्छा काम करती हैं, और इन्हीं के कारण से सीड्स भी बनता है हमारे फूलों में। जबकि तितलियाँ भी आती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं इन्हें देख के, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। और इनमें और भी ज़्यादा फूल चाहिए तो आप इनमें कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल सकते हैं, और हुड ऐश भी यूज़ कर सकते हैं। पर हुड ऐश की ज़रा मात्रा कम ही रखिएगा, क्योंकि वो एल्कोलाइन होती है, तो थोड़ा उसको कम ही डालना पड़ता है फ्रेंड। और मेरे इधर ये सिंगल पेटल में भी हैं, ये खिल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे चल रहे हैं फ्रेंड। यहाँ लगाई हूँ, अभी इसमें बर्ड्स आ रही है फ्रेंड। और जब ये बहुत ज़्यादा लेगी हो जाए तो इनको थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देंगे, तो ये और घना होगा और साइड में 5-6 ब्रांचेस आएगी, जिससे ये प्लांट बहुत घना हो जाएगा और बहुत हैवी क्वान्टिटी में फ्लावर देगा फ्रेंड। और ये एक पत्ती से भी बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है, और क्या कहते हैं कि इसको फुल सनलाइट में आप रखिए, छाए में मत रखिएगा, क्योंकि ये जब तक इसको पूरी धूप नहीं पड़ती तब तक इसमें फूल नहीं आते हैं। और ये पूरी फुल सनलाइट का प्लांट है। गर्मियों में अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, कहीं पे शेड नहीं है, तो आप इसे ज़रूर लगाएं।
जब आप इसे लगाते हैं तो देखेंगे कि आपका गार्डन पूरा फूलों से भरा रहेगा। तेज़ गर्मी में भी बड़ी दृढ़ता के साथ ये बना रहता है और आपके गार्डन में अपने खूबसूरत फूलों के वजह से सुंदरता बिखेरता रहता है। फ्रेंड, मुझे तो इसकी देसी वैरायटी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं इसकी देसी वैरायटी ही लगाई हूँ। वैसे हाइब्रिड भी मेरे पास है, इसकी सिर्फ ये है, ये भी खिला नहीं है, पर इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है और इसका कलर भी थोड़ा कम चटक होता है, जबकि ये देसी वाले का देखिए मतलब कलर कितना चटकीला होता है। और ये वाइट है और ये पिंक है, लेकिन कलर बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह लगते हैं। फ्रेंड, तो आप इसे मिक्स मैच करके भी लगा सकते हैं। और ये साइज़ और कलर में जो हाइब्रिड वाले से होता है ये डबल होता है, मतलब साइज़ भी बहुत बड़ा होता है इसका और कलर भी बड़ा ही चटकीला होता है। देखिए कितनी सारी मधुमक्खियाँ आ रखी हैं फ्रेंड्स। तो जब हमारे गार्डन में मधुमक्खियाँ आती हैं तो ये पोलिनेशन का बड़ा अच्छा वर्क करती हैं सभी प्लांटों में, और जिनसे सीड्स तैयार होता है। फ्रेंड, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। फ्रेंड, गर्मियों का बड़ा ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड, और आपको जहाँ से भी इसका कलर मिले आप एक टहनी तोड़कर लाइए और अपने गार्डन में ऐड करिए। फ्रेंड, बड़े ही अच्छे फ्लावर देंगे। बहुत सारे कलर मिलते हैं हाइब्रिड वालों में, जबकि देसी वालों में थोड़े कम ही मिलते हैं, लेकिन कम मिलते हैं तो क्या हुआ, लेकिन साइज़ और कलर में ये हाइब्रिड वालों को पीछे छोड़ देते हैं और बहुत अच्छा फूल देते हैं। फ्रेंड, तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए और थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र ऐड करते रहिए, तो आपके गार्डन में इन फूलों की खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।